माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. ठीक है, यहां पर ये x का फंक्शन है. इट मीन्स x इज टेकिंग अ रियल वैल्यू. कोई भी वैल्यू लेगा, x रियल वैल्यू ले रहा है. नाउ हेयर फॉर x टू बी रियल क्या होना चाहिए? इस क्वांटिटी को रियल होना पड़ेगा. ये वैल्यू x के बराबर है. x एक रियल नंबर है. इट मीन्स दिस शुड ऑल्सो बी अ रियल नंबर. ये किस कंडीशंस में रियल नंबर बनेगा? जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है. अगर अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा? फिर आयोटा आ जाएगा, नॉन रियल नंबर हो जाएगा. तो मैं यहां पर कह दूं 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12 दिस शुड बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस दिस माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसकी बनानी है मुझे रूट्स. क्या डायरेक्टली इसके फैक्टर्स बन रहे हैं? 8 और 4 नहीं बनेंगे. 8 और 4 नहीं बनेंगे. तो हम यहां से ले लेते हैं y इज इक्वल टू, देखो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा वेव कर्व. दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करके फिर वेव कर्व लगा लो. ठीक है, इसको दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसके रूट्स बनानी है, फैक्टर्स बनानी है इसके. अब जो इसके फैक्टर्स हैं वो एज सच डायरेक्टली तो बन नहीं रहे हैं 8 और 4 के. कोई तो क्या करें, कौन सा मेथड लगाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो यहां से मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 6 2 8 48 बाय 2. 48 12 इंटू 4 4√3 4 प्लस माइनस 4√3 बाय 2 और 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2√3. ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखो ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक है इसको मैं लिख दूं y माइनस 2 प्लस 2√3 इंटू y माइनस 2 माइनस 2√3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये बात समझ में आ रही? गुड आफ्टरनून. हाँ जी, इस क्वाड्रेटिक की रूट्स फ्रेम की मैंने डायरेक्टली नहीं बन रही थी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से करके ये जो दो वैल्यू आई है ये इसकी रूट्स हैं. इट मींस दिस कैन बी फैक्टराइज्ड इन दिस मैनर 2 प्लस 2√3 एंड 2 माइनस 2√3. अब अगर मैं इस पर वेव कर्व लगाऊं तो y की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वाई स्क्वायर माइनस अगर मैं इसको करूं 2 माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 12. हाँ फिर क्या करूं? 2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3. लेकिन क्या करोगे? प्लस माइनस कर लो फिर. ये तो कर सकते हो, फैक्टर्स ही बनाने ऐसे भी कर सकते हो. हाँ फैक्टर्स तो सेम ही बनेंगे. हाँ जी, अब मुझे बताओ वेव कब लगा करके ये वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? एक है 2 प्लस 2√3, एक है 2 माइनस 2√3. ये नेगेटिव होगी वैल्यू, पॉजिटिव होगी 2 माइनस 2√3? नेगेटिव. हाँ जी, अब जल्दी से बताओ वेव कर्व के हिसाब से y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 2 2 2 2. ठीक है, इसका मतलब y अगर इस इंटरवल में और इस इंटरवल में होगा तो x रियल है. y की वैल्यू आ रही है, y क्या होता है? रेंज.
सो रेंज क्या हुई इस फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस 2 रूट 3 यूनियन 2 प्लस 2 रूट 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अपने आंसर्स में देखो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, बीटा और सी सेम ही ऑप्शंस दे रखे हैं, नहीं सेम नहीं है, डिफरेंस है। हाँ जी क्या आंसर होना चाहिए जो गिवन चीजें हैं उसके हिसाब से, फर्स्ट ऑप्शन इज देखो जो आंसर जिस फॉर्म में लिखा उस फॉर्म में तो आंसर है नहीं मेरे पास, राइट तो आंसर क्या होगा बीटा सी ए कौन सा होगा, ए तो इंटरवल कौन सा बता रहा है इसके बीच वाला, तो वो आंसर नहीं हो सकता, बीटा ऑप्शन बता रही है रियल नंबर्स माइनस दिस इंटरवल एक्सक्लूडिंग 2 माइनस 2 रूट 3 इंक्लूडिंग 2 प्लस 2 रूट 3। बीटा में दोनों एक्सक्लूडिंग है, राइट राइट, बीटा में दोनों एक्सक्लूडिंग है, सी में दोनों इंक्लूडिंग है, तो कौन से वाला आंसर होगा बीटा के सी, बी क्योंकि यहां पे इंक्लूड हो रहे हैं तो वहां पर एक्सक्लूड। क्लियर हो गया कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस। एक इसमें आपके पास मैं देखती हूँ मेरे पास क्वेश्चन कोई वो एक टाइप और आती है कुछ इसी तरह से मिलती जुलती मैं बता देती हूँ। टेंथ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ 2 लॉग एक्स टू द बेस 10 प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स टू द बेस 100x, दिस एग्जिस्ट इफ एक्स बिलोंग्स टू, ये किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है ये आपको बताना है। जब भी आपके पास लॉग आ जाता है तो क्या फर्स्ट कंडीशन क्या होती है मेरे पास, जो क्वांटिटी का आप लॉग ले रहे हो वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव को हटा दूं तो ये लेस देन जीरो होना चाहिए। और दूसरी चीज कैन आई राइट दिस एज दिस अपॉन लॉग ऑफ 100x, यहां से दो चीजें 100x जीरो से बड़ा होना चाहिए मतलब x जीरो से बड़ा होना चाहिए, कोई और कंडीशन भी आएगी इस पे इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। हाँ जी इज इट दी ओनली कंडीशन और देयर इज सम अदर कंडीशन आल्सो, क्या ये वैल्यू 1 बन सकती है, इफ दिस वैल्यू बिकम्स 1 लॉग 1 बिकम्स 0, सो ये ध्यान रखना है अगर डिनोमिनेटर में किसी क्वांटिटी का लॉग ले रहे हो, लॉग है क्वांटिटी का वो डिनोमिनेटर में है, तो एक तो कंडीशन लॉग के साथ की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी ये कभी 1 नहीं बननी चाहिए इफ लॉग इज इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि लॉग 1 0 होता है। तो दूसरी कंडीशन हुई 100x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बाय 100, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, तीसरी ये। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करना है, बोलो कैसे करो, फटाफट से बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें। ये जीरो से छोटा करना है, वेव का मेथड अगर मुझे लगाना हो कैसे लगेगा, एक तो पॉइंट आपका आ गया जीरो, दूसरा 2 log x टू द बेस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जितने भी फैक्टर्स हैं सबको जीरो से इक्वेट करके वैल्यू निकालते हैं x की, तो यहां से आएगा 2 टाइम्स log x टू द बेस 10 इज माइनस 1, log x to the base 10 is minus 1 by 2, log x is minus 1 by 2 log 10, ऐसे लिख दूं, log 10 to the power minus 1 by 2 log x, so x क्या आ गया 10 power minus 1 by 2, या मैं इसको कर दूं 1 upon root 10,
कोई डाउट है इस कैलकुलेशन के अंदर तो बता दो। लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि लॉगरिथम पर बेस्ड एक क्वेश्चन आईआईटी के अंदर डेफिनेटली हमें आता ही आता है, आईआईटी एडवांस में आ सकते हैं। वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट इन योर आईआईटी एडवांस। इस बार वाला क्वेश्चन मैं बताई देती हूँ, अभी शायद पढ़ा होंगे, वास्तव में दिखाई दूंगी मैं क्या आया है। हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। अब कौन सा बचे? इसको लिख सकते हैं log x upon log 10, log m to the base n, log m upon log n। इस log 10 पॉजिटिव वैल्यू वैसे log 10 वन ही होता है, लेकिन इधर भी log है इधर भी log है, तो log को हटाने की बजाय हम इस log 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन, log x is equal to minus 1 by 2 log 10, ये पावर यहाँ चली जाएगी, x is equal to 10 power minus 1 by 2। अब एक पॉइंट है जीरो, दूसरा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑब्वियसली 1 upon root 10। ठीक है जी, क्वांटिटी चाहिए कैसी? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ये इंटरवल हुआ जीरो से 10 पावर माइनस 1 बाय 2, और साथ में एक ये कंडीशन भी है मेरे पास, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1 upon 100। अब बताओ 1 upon 100 इस इंटरवल के इन बिटवीन आएगा? अगर इसके बीच में आ ही नहीं रहा फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर इसके बीच में आ रहा है तो ये पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा अपने इस इंटरवल में से। अब बताओ जरा 1 upon 100 विल इट लाई बिटवीन दिस इंटरवल और नॉट? 1 upon under root 10 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 1 upon 3 point something, 0.33 ले ले, ठीक है 1 upon 3 ले ले सपोज हम इसको, तो 0.33 हो गया, और 1 upon 100 कितना होगा 0.01। It means this point is going to lie between this interval. It means I have to exclude this point from my interval. दो तरीके हैं इसको लिखने के, क्या क्या? 0 से 10 point minus 1 by 2 minus 1 by 100, एक तरीका इसे represent करने का। दूसरा तरीका इसी सेम इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का, 0 से 10 पावर माइनस 2 यूनियन 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 1। अगर आपको एक इंटरवल में से एक पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करनी हो तो ये दोनों तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन। कोई डाउट कहीं पर भी है अभी तो बता दो। बस जी, सेट रिलेशन फंक्शन की असाइनमेंट में किसी की कोई और प्रॉब्लम? चलो, हाँ जी, सेवेंथ में करा दूं, कोई छूटना नहीं चाहिए पर्सन। सेवेंथ कराया तो था क्लास में, नहीं करवाया? 9 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1, रेंज बतानी है। 11th ही कह रहे हो? 3 पावर x को अगर t ले लूं तो 9 पावर x को t स्क्वायर ले सकते हैं? ये हो गया t स्क्वायर, ये माइनस t प्लस 1। एक क्वाड्रेटिक, मुझे बाजी नहीं समझ में आती क्या बोल जाते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आपका तरीका बताया था कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर? उधर जो मिडिल वाला है उसको
जो उसे डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट. टी के कोफिशिएंट का आधा 1/2 का स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट ये और ये टर्म. टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 अगर ये मेरा वाई है तो. अब ये क्वांटिटी स्क्वायर का मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकते. इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी 3/4 में ऐड होगी. कम से कम ये क्या वैल्यू ले सकती है? जीरो. नेगेटिव तो जा नहीं सकती. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वुड बी जीरो. इसका मतलब वाई की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम इसके जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो पूरी वॉल्यूम इन्फिनिटी तक चली जाएगी. सो 3/4 से इन्फिनिटी. अब हमें करनी है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज. बेसिक आपको बोले थे रिवाइज करके आने के लिए. हाँ जी, क्या सभी रिवाइज करके आए हैं फॉर्मूलाज को? चलो जी, फिर सबसे पहला चीज आप मुझे ये बताओगे हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज एंड हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस. क्या क्या कुछ करते हैं जल्दी से जरा मुझे बता दो. रिलेशन बताओ पहले तो डिग्रीज और रेडियंस में. 180 डिग्री इज पाई रेडियंस. 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180. इसका मतलब जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे और रिवर्स करना होगा तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे. अब सेकंड्स में या मुझे मिनट्स में जाना होगा तो क्या करते हैं वो भी आइडिया है कुछ. 1 डिग्री इज सेम एज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज सेम एज 60 सेकंड्स. इसके बाद आइडेंटिटीज तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो. कोई आज मतलब 4 साल से शायद वो पढ़ते आ रहे हो तुम. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर. सारे हमारे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं तीनों की तीनों. कहीं पर भी कैसे भी यूज हो जाती है. इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज हमने की थी दैट वॉज कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? साइन ऑल पॉजिटिव. सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव. थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव. फोर्थ में कॉस एंड सेकेंट पॉजिटिव. बाकी सब जो हमने छोड़ दिए वो सब उन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं. फिर जो कन्वर्जन के रूल्स थे से कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा. ऑड मल्टीपल है 9 का तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी. अगर इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगी. सो 90 टू 70 से चेंज होता है, 180 360 से चेंज नहीं होता है. और उसके बाद जो भी कोई एंगल है उसको देख करके कौन से क्वाड्रेंट में है इनिशियल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पर आप अपने कन्वर्जन करते हो नेगेटिव साइन या फिर पॉजिटिव साइन का. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी दैट वॉज द ग्राफ. साइन का ग्राफ बोलो जी फटाफट से. साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? साइन वेव पढ़ते होगे, साइन कर्व पढ़ते होगे तुम फिजिक्स में जाते होंगे. कॉस का ग्राफ 1 से शुरू. टैन के लिए ये 0 से π/2, ये π/2 से π. अब मुझे बताओ मैंने इसका ग्राफ ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π. यहाँ पर ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 2π है. यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है 0 से पाई में. इन दोनों का ग्राफ किया है 2π तक. ऐसा क्यों बना?
क्योंकि tan tan is periodic with period pi and sine and cos are periodic with period 2 pi. इसका ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट होता है दोनों का, इसका ग्राफ पाई के बाद ही रिपीट हो जाता है, इसलिए तीसरे ग्राफ हमने पढ़ लिया. इसके साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? कॉस थीटा की. क्या टैन थीटा पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? टैन थीटा कैन टेक एनी वैल्यू लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टिल पॉजिटिव इंफिनिटी. क्या टैन थीटा हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए डिफाइंड होगा? Is tan theta defined for every value of theta? किन वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा? 90. कुछ जनरलाइज करके बता सकते हैं आप मुझे? कोई विचार कर लो इसके बारे में तो अच्छी बात है. ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पर, क्योंकि टैन थीटा है साइन अपॉन कॉस, कॉस बिकम्स जीरो एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. तो जहां जहां पर कॉस जीरो वहां वहां पर टैन अनडिफाइंड. सो अगर इसकी डोमेन पूछी जाए, डोमेन ऑफ टैन थीटा, ऑल रियल नंबर्स माइनस द वैल्यूज वेयर थीटा इज बिकमिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. इसी तरह से कॉट कहां पर डिफाइंड नहीं होगा? जहां पर साइन जीरो हो जाए, और साइन जीरो कहां होता है? एन पाई पर. सो अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो वो डिफाइन नहीं होगा एट एन पाई. अब सीकेंट थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, वन से इन्फिनिटी, वो सीकेंट एंड सीकेंट दोनों में. साइन कॉस में माइनस वन और वन के बीच में, सीकेंट को सीकेंट में, वन से बड़ी माइनस वन से छोटी. टैन और कॉट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहां से मर्जी आप शुरू कर सकते हो, जहां मर्जी आप फिनिश ऑफ कर सकते हो. ठीक है जी, ये तो थे हमारे कुछ बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी थी. नाउ वी कम टू द फॉर्मूलास. हाँ जी, साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी एंड द माइनस. किसी को कोई ऐसा बच्चा जिसको फॉर्मूले नहीं आते हो? हाँ जी आकांक्षा, टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला. वन माइनस टैन ए टैन बी. राजीव, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. निष्कृति, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. क्या हो गया? कोविड ने मुझे बताना है व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोई और फॉर्मूला भी होता है इसका? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. अब आप मुझे फॉर्मूले बताओगे. आकांक्षा से वापस नहीं, अदिति बताएगी पहले. टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मुझे बताएगी आकांक्षा. कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी.
निष्कृति ने बताना है टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला. कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. चेंज है इस फॉर्मूले में, सबमें पहले प्लस आता है, इसमें पहले माइनस आता है. अब मुझे राजीव ने बताना है साइन सी प्लस साइन डी. चलो जी फटाफट बोलो साइन सी प्लस साइन डी. राजीव प्लस भैया प्लस भी आ रहा था अभी हमें. टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू. साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अदिति बताएगी. टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस साइन सी माइनस डी. कंफ्यूज मत हो. हाँ जी निष्कृति कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला. कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला मुझे बताना है आकांक्षा ने. साइन डी माइनस सी बाय टू. इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हाफ एंगल फॉर्मूलाज. ठीक है जी इसकी शुरुआत हम करते हैं अदिति से. साइन टू ए का फॉर्मूला बता दो. टू साइन ए कॉस बी. साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए. टू साइन ए कॉस ए इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू ए. राजीव कॉस टू ए का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली. मैं कह रही हूँ कॉस के टर्म में बताओ. ये कह रहा है वन माइनस टू साइन मैंने बोला आंसर में कॉस ही होना चाहिए. सिर्फ जब इक्वालिटी करूँ तो वहां सिर्फ कॉस वाले टर्म आनी चाहिए, साइन वाले नहीं आनी चाहिए. है कोई फॉर्मूला ऐसा बोलो फिर. टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन. बाकी के दो फॉर्मूले भी इसने बताई दिए हैं तो किसी और से पूछने का काम नहीं है. अब मुझे टैन की टर्म्स में इसका फॉर्मूला बताएगा कोविद. ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास बेसिकली सबसे ज्यादा फॉर्म जो यूज होती है दैट इज वन प्लस कॉस टू ए एंड वन माइनस कॉस टू ए की फॉर्म में यूज होता है. अब मुझे निष्कृति ने बताना है टैन टू ए का फॉर्मूला. टू टैन ए कहा टू टैन ए अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर ए. ठीक है जी ये है हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज. इसके बाद आप मुझे बताओगे साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला. साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला. हाँ जी अदिति अब क्या हो गया. आज क्या हुआ अपने आप ही बोल के ऐसे ही जा रहे हैं. मुझे भी बता दो कुछ. थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा. कॉस थ्री थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस